नमस्कार आदाब दोस्तों 6 दिसंबर 2021 यानी कि आज बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, यानी कि आज के ही दिन। और आज के ही दिन मथुरा के अंदर मूर्ति स्थापित करने की धमकी कुछ हिंदूवादी संगठनों की तरफ से दी गई थी। और इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही दोस्तों। मथुरा के अंदर धारा 144 लागू है, जगह जगह पर कर्फ्यू लगाया गया है, उसके बावजूद भी जो तस्वीरें सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है दोस्तों। आगे हम आपको मथुरा की तस्वीरें दिखाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है कि आज हमारे देश को एकता भाईचारे की जरूरत है, अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं खबर की। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि मथुरा के अंदर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने यह खुलेआम धमकी दे दी कि हम आज यानी 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद को इसी दिन शहीद किया गया था, इस दिन एक और नया इतिहास रचेंगे और मथुरा की जो जामा मस्जिद है या जो ईदगाह है उसके अंदर मूर्ति स्थापित करेंगे, क्योंकि यहां पर पहले मंदिर था ये आरोप लगाया गया और इसके बाद खुलेआम धमकी दी गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश का प्रशासन हरकत में आ गया, धारा 144 लागू कर दी गई और यहां पर जो है धारा 144 के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही वो चौंकाने वाली है दोस्तों। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं धारा 144 लागू होने के बावजूद, कर्फ्यू लागू होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेता किस तरह से सभाएं कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का एक क्राउड बड़ा जत्था इकट्ठा करके अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, यह आपके सामने तस्वीर है। साइड में आप देख सकते हैं ये जो वीडियो फुटेज है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये तस्वीरें, ये वीडियो किसी और ने रिलीज नहीं किया है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रिलीज करते हुए इस तस्वीर को सवाल उठाया। उन्होंने लिखा है कि मथुरा में धारा 144 लागू होने के बावजूद भी भाजपा नेता का आयोजन बताता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की अभूतपूर्व बदहाली की जड़ में अनियंत्रित भाजपाई ही है। सरकार बताए कि अब इस भाजपाई अराजकता का संज्ञान कौन लेगा। और यह सही बात भी है, जब आपको पता है धारा 144 लागू है, कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके बावजूद भी आप सभाएं कर रहे हैं खुलेआम, यानी कानून सिर्फ दिखावे के लिए है, जमीन पर कुछ भी नहीं है। खैर, आज बताया जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर पीएससी लगाई गई है, तमाम कानून व्यवस्था को सही करने की कोशिश की जा रही है और हर जगह सिक्योरिटी बहुत टाइट की गई है। अब देखना है कि इस पर आगे क्या होता है। फिलहाल हम तो दुआ करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।